इंडियन कैप्टन विराट कोहली का एग्रेशन ग्राउंड फील्ड पे बहुत रहता है, लेकिन कभी कभी उनका गुस्सा जायज नहीं होता। और इंडिया बांग्लादेश के सेमीफाइनल मैच में धोनी से हुई चूक पे उनका रिएक्शन बहुत ही अनस्पॉटी था और उन्होंने धोनी की इस गलती पे बहुत ही तेज गुस्सा दिखाया। एक्चुअली ये इंसिडेंट हुआ जब बांग्लादेश की टीम बैटिंग कर रही थी और जब बांग्लादेश का स्कोर हुआ था 99, क्रीज पे थे बांग्लादेश टीम के विकेट कीपर रहीम और बॉलिंग कर रहे थे रविंद्र जडेजा। जडेजा की बॉल पे रहीम ने फ्लिक किया और एक रन चुराया। वहीं जैसे ही बॉल फील्डिंग कर रहे केदार जाधव के पास पहुंची, उन्होंने झट बॉल धोनी की तरफ फेंका। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि धोनी का स्टंप पे बॉल फेंकने का अंदाज बहुत ही शार्प होता है और वो अपने हाथ में बॉल रुकने नहीं देते और सीधे स्टंप पे मारते हैं। इस तरह जैसे ही केदार जाधव ने बॉल फेंका, धोनी ने अपना ग्लव्स निकालकर फेंका और केदार जाधव की थ्रो बॉल जैसे ही धोनी की तरफ आई, उन्होंने उसे अपने हाथों से स्टंप की तरफ मोड़ दिया। लेकिन बैड लक था कि बॉल स्टंप के डायरेक्शन में होते हुए भी स्टंप को नहीं लगी, क्योंकि धोनी ने जो अपने हाथों का ग्लव्स उतारकर फेंका था वो स्टंप से बिल्कुल पहले गिरा था और बॉल सीधे उस ग्लव्स से टकरा गई और दूसरी तरफ चली गई। और क्रिकेट में अगर बॉल ग्राउंड में रखे हेलमेट या ग्लव से टकराती है तो बैटिंग टीम को 5 रन मिलते हैं। अब इस सिचुएशन पे जैसे ही अंपायर ने 5 रन का इशारा किया, विराट का गुस्सा देखने लायक था। लेकिन विराट को ये भी सोचना चाहिए कि धोनी ने जानबूझ के तो वो ग्लव्स बीच में नहीं फेंका होगा। और धोनी इस तरह से कई बार रन आउट करवा चुके हैं, लेकिन विराट कोहली का ये गुस्सा काफ़ी क्रिकेट प्रेमी को पसंद नहीं आया। और धोनी जैसे ग्रेट प्लेयर के खिलाफ ये नाजायज गुस्सा तो क्रिकेट प्रेमी को बिल्कुल रास नहीं आएगा। आपको विराट कोहली का ये गुस्सा ठीक लगा या गलत, अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा। न्यूज रूम से न्यूज 99 की रिपोर्ट। फिल्म और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल न्यूज 99 को।